हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं फुल मून पर रीडिंग करूँगी। आज फुल मून का डे है, ठीक है। आज आपको फुल मून दिखाई देगा। तो फुल मून हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, गाइडेंस लेकर आ रहा है, जो हमारे लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे? क्या गुड लक हम अट्रैक्ट कर रहे हैं फुल मून की एनर्जी से? बिकॉज ये सावन के बाद पहला फुल मून है और ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मैजिकल डे रहने वाला है जब से फुल मून स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब नाइट और फिर उसके बाद डे, ठीक है। तो यस, ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है हमारे लिए फुल मून। और तो देख लेते हैं रीडिंग में क्या आता है आप सभी लोगों के लिए और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो फुल मून की एनर्जी से। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा, आपकी लाइफ पर, आपके करियर पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, सारी बातें जानेंगे बहुत डिटेल में। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी इस दिन का। और खासकर अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फुल मून और न्यू मून पर ना पाथवे ओपन होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग हो सकती है। इसको मिस ना करें, इसको देखें पूरा, आपको हेल्प मिलेगी। और आप जल्दी से स्टार्ट कर आंसर पता लगाते हैं कि क्या होने वाला है फुल मून की एनर्जी हमारे लिए, क्या चीज़ें लेकर आ रही हैं, क्या हमें आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या अबंडेंस, इवेंट, एक्साइटमेंट, मतलब ओवरऑल क्या रहेगा रिजल्ट, ठीक है, फुल मून का हमारे लिए। एक कार्ड आया बट ये रिवर्स में आया है, ठीक है, रिवर्स हो गया ये। ओ वाओ, फाइनली फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड इन रिवर्स। यानी कि नो आर्ग्यूमेंट, नो फाइट, नो जेलसी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी। मैजिशियन, अच्छी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जेमिनी एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड वी हैव नंबर वन ऑल्सो ना, तो नंबर वन की एनर्जी यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू पाथवे। ओ माय गॉड, फाइनली वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी कार्ड इज हेयर फाइनली, ठीक है। और देखते हैं, एक और कार्ड अपने आप आया, एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना आप न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, ये फुल मून बहुत बहुत ज़्यादा मैजिकल है। और स्टार कार्ड हमारे सामने आ गया, यानी कि जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस एनर्जी तो दिख ही रही है बिल्कुल। क्या बात है, थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, इवेंट्स, एक्साइटमेंट, मैंने कहा ना आप सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो जाएगा। फाइनली वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड, सुपर मैजिकल कार्ड वी हैव, एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से आया। और देखो विशफुलमेंट, फुलफिलमेंट का कार्ड है हमारे पास, टेम्परेंस का कार्ड है, वी हैव किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये इस कार्ड पर कंसिडर करेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि यस, अब आप रेडी हैं बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट तो आपने पहले भी किया है, लेकिन पहले आप रोकर करते थे, अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ चलो ये वाला प्रॉब्लम है या चैलेंज है, ठीक है, आई एम रेडी टू डील विद दिस, ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे। आपका टोन चेंज हो रहा है बात करने का, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मतलब ये एनर्जी आपको डिवाइन दे रहे हैं। और जैसे कि सावन मंथ खत्म हुआ है गाइस, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सभी देवी देवता जो गए हैं हमें मतलब आए थे हमें ब्लेसिंग्स देने गए हैं, जो ब्लेसिंग्स देकर गए हैं वो बहुत ज़्यादा ही उसका इम्पैक्ट हम सबको मिल रहा है, ठीक है, उसका असर हम पर पड़ रहा है। तो यस, फुल मून के आने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है, और कर लेंगे, ठीक है, फुल मून के आने से कर लेंगे। और अभी तक आप कर भी चुके हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट, और आपको मिली भी है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं ना आप लोगों के लिए, देखिए पहला ही कार्ड बहुत अच्छा था और ये एकदम से ना ऐसे आता आता ऐसे हो गया रिवर्स में, ठीक है, तो ये रिवर्स में हो गया। तो ये जो कार्ड है, जैसे कि आपके साथ अगर बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आप बहुत परेशान भी हो जाते थे कि क्यों इतने झगड़े वगड़े मेरे साथ, इतना क्यों होता है, क्यों सब मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं या मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आप थे, आपको हेडेक मिलता था अननेसेसरी, तो अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी आपकी, कोई आपसे फाइट नहीं करेगा,
या अगर किसी ने करने की कोशिश भी की तो आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप बचा लोगे खुद को, अब आपको किसी की वजह से हेडेक नहीं मिलेगा। तो ये एक ब्लेसिंग आपको मिली है स्पिरिचुअल लाइफ में, और अच्छे से आगे बढ़ोगे, ठीक है, पूरा मन लगेगा काम में और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो बहुत अच्छे से। अब तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और अपनी लाइफ में ना अब आप पता है टेंशन को छोड़कर किस चीज़ पर फोकस करना है, हैप्पीनेस पर फोकस करना है, इस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। और यस गाइस, फुल मून के आने से आपकी लाइफ में गुड लक आ चुका है, आ जाएगा। और मैं आ चुका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें होने वाली है, तो हमें ऐसे ही मैनिफेस्ट करना चाहिए कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, ओके। और एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है, तो गुड लक और न्यू बिगिनिंग। और ये न्यू बिगिनिंग किस एरिया में है जो आपका मेजर था, लाइक आपका कोई मेजर पर्पस था, उसमें न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो जाएगी। आपके इस पर्पस से रिलेटेड कोई भी अगर ऑब्स्टिकल था, बचा हुआ था, वो डिवाइन बिल्कुल हटाएंगे, क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग्स मिली है उनकी तरफ से, कि जो भी अगर थोड़े बहुत भी ऑब्स्टिकल आपके करियर में या आपके डिवाइन पर्पस के बीच में है, तो वो हटा के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ दिख रही है। फुल मून के आने से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है, जैसे मैनिफेस्ट करते जाओगे अच्छे से प्रॉपर बैलेंस बनता जाएगा, ठीक है। पेंटिकल का कार्ड है, अगर कुछ बिजनेस में अप्स एंड डाउन देख रहे हो या जॉब में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा या अच्छा आप नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ से उसका भी आपको सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा कि आपको क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है, ये चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक कार्ड ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव कार्ड था वो भी रिवर्स में हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए पॉजिटिव कार्ड ही है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, आइडिया यू विल हैव, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर। सो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी तो बिल्कुल ही लेकर चला जाएगा, और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन स्टार्ट कर देना है बोलने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपको पता है अब ना दुनिया कैसे बात करेगी आपसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले आप अपने पर्पस को लेकर ऐसे बोलते थे, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे को इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आजकल आप ऐसे सोच रहे हो कि वो चीज़ ऑलरेडी आप फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज़ दैट आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, मतलब अभी किया नहीं है, आपको करना है, सपोज़ दैट एक महीने दो महीने में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपकी कोई बहुत अच्छी कंपनी में जॉब आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आज पहले कुछ टाइम, एक दो महीने पहले आप सोचते थे पता नहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, पता नहीं मुझे वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे पास इनफ फंड्स हैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या नहीं है, कुछ इस तरह की माइंडसेट आपका था। लेकिन या तो देखो अभी से ही है आपका माइंडसेट बदला है, कैसे बदला, या तो अभी बदल गया या फिर हो सकता है कि फुल मून के आने पर आपका ये माइंडसेट बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, लाइक आप बोलेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि मेरा काम तो ऑलरेडी हो गया है, और फ्यूचर में क्या क्या आप कर रहे हो, आप ये इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में, और आपके आसपास के लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, यार अब तो तेरा बिजनेस ही स्टार्ट होने वाला है, तेरे को बहुत अच्छी जगह नौकरी तेरी फिक्स हो जाएगी, तू तो वहाँ पर सेट हो जाएगा, या जैसे भी जो भी है, मतलब आपके आसपास के लोग भी अब वही चीज़ जो होने वाली है उसी को बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अब आप अकेले मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, दूसरों के मुंह से भी अब ये बातें निकलने वाली हैं, तो यानी कि आपके साथ साथ अब दूसरे भी इनडायरेक्टली उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे। तो इसे बोलते हैं बिग साइन कि यस, आपका करियर, आपका जो भी आपका बहुत बड़ा मिशन है, गोल है, वो पूरा होने वाला है। दिस इज द वेरी बिग साइन फॉर यू गाइज, ठीक है। अगर ऐसा हो या अगर ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाए कि दूसरे भी कह रहे हैं भाई अब तो ये चीज होकर ही रहेगी, अब तो फाइनल है, अब तो हो जाएगा बस, ठीक है, यानी कि आपके साथ साथ अब दूसरों को भी लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज अब होने वाली है, तो यस ये बहुत बड़ा साइन होता है कि यस आपका मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाला है, ओके। तो अगर ये साइन आपको फील हो रहा है या ऐसा कुछ आपको फील होता है या दुनिया ऐसे बोल रही है, तो समझ जाओ बस अब तो सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पर। तो फुल मून आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है गाइस, खुश रहना सीख जाओ अभी से ही, अब बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। पता है क्या, जब बहुत टाइम तक आपने स्ट्रगल देखा है ना, तो भाई डिवाइन के तो चाइल्ड आप भी हो, तो वो आपके साथ
क्यों मतलब ऐसा करेंगे ना गलत, वो आप वो कभी गलत नहीं कर सकते। पहली बात तो आप ये मान के रखना, अगर कभी आपको उन्होंने हार्डशिप्स दिखाई है तो उसमें भी आपकी भलाई थी, ठीक है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप भी अपनी ज़िंदगी जिएं, आपको भी वो टाइम मिले जो आप डिज़र्व करते हैं, और आप जिएं अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो वो टाइम अब भी डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो उनका तो नाम अच्छे बुरे हर वक्त में आपको याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही हैं जिनके आशीर्वाद से हम बचे हुए हैं, ठीक है। और हमने कोई भी इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं है जो 100% सही हो, हर किसी से जाने अनजाने में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो भगवान ही हैं इतने दयालु जो हमें माफ़ कर देते हैं, तो इसलिए अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उन्हें याद किया करो। और आई नो कि इस चैनल पर मैक्सिमम जितने भी हैं जो आते हैं वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स, वो सब डिवोटी हैं डिवाइन के, डिवाइन के बहुत करीब हैं। वरना मेरे चैनल पर आप सभी को पता है कि मैं इतना ज़्यादा कभी लव पर मेरा इतना फोकस नहीं होता है, मेरा ज़्यादा जो फोकस होता है रीडिंग पर वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर होता है। दैट इज़ वाई मुझे व्यू कम मिलते हैं पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जिस तरह की गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर मैं वही आपको बताऊँगी, मैं कुछ भी अलग से नहीं बोल सकूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती इस तरीके से कि अगर सिर्फ मुझे लव लाइफ का ही बोलना है ताकि मैं मैक्सिमम मेरे को व्यूज़ मिलें, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ें। नहीं बढ़ रहे कोई बात नहीं, नहीं व्यू आ रहे कोई बात नहीं, जो जिनके लिए ये रीडिंग है, जिनके लिए ये मैसेजेस हैं, वो इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ गाइज, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, और आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपने मिशन से रिलेटेड, बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस। और अपनी अब आपको ये याद रखना है कि मुझे मेरी हैप्पीनेस पर फोकस देना है, मुझे अपने आप को हर हालत में खुश रखना है, दुनिया चाहे मुझे क्रिटिसाइज़ करे या मुझे कुछ भी कहे, मैनिपुलेट करे, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने डिवाइन पे विश्वास है, और मुझे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है, बस इतना बोलना है अपने रोज डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पीड में आपके सारे काम हो जाएंगे। सप्लीमेंट का काम करते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस, मेन तो आपके एक्शन ही होता है, ठीक है। कुछ कार्ड्स आ गए, जो आ गए तो उनको हम लेंगे, ठीक है। पहला ही कार्ड हार्ट, वाओ, यानी कि लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे। देखो भाई, जब लव लाइफ के बारे में आएगा तो मैं लव लाइफ के बारे में बताऊंगी, जब आपके गाइडेंस आएगी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए तो वो बताया जाएगा। बट एक ही चीज पर फोकस नहीं रख सकती मैं, गारंटेड सक्सेस, वाओ, ये तो होगा ही ना, आप इतना अच्छा कर रहे हो तो क्यों नहीं होगा, 100% होगा। चलिए, बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, कुछ अच्छा किया आपने, कुछ एडवांटेज, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, रिकॉग्निशन मिल जाएगा गाइज आपको बहुत जल्दी, आपको आप अपने करियर में सक्सेसफुल होने वाले हैं, बस मैं शॉर्ट में बता, गुड लक, ओ माय गॉड, रिकॉग्निशन, गुड लक। और ये वाला कार्ड तो सबसे पहले ही आ गया था, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, यानी कि आपके पास प्यार भी आ रहा है, गुड लक आ रहा है, ठीक है, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं ना इस रीडिंग में, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग, और सच में बहुत कुछ अच्छा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी आपसे छोटे एज वाले से है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, आपको कुछ मटेरियल थिंग्स मिलेंगी, ठीक है, यानी कि ये आपके लिए रिवॉर्ड हो सकता है, हो सकता है आपको कुछ गिफ्ट्स मिल जाए। और वैसे भी अब रक्षाबंधन आ रहा है गाइज, आप में तो लड़कियों को तो डेफिनेटली बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तो यस। और हो सकता है कि आपकी सिस्टर जो बड़ी हैं वो अपने छोटे भाइयों को भी गिफ्ट्स दे दें, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं है ना छोटे भाई से इतना कुछ लेना, तो कुछ गिफ्ट्स देना भी सीखिए, ठीक है, दे देना गिफ्ट्स अगर आपसे छोटे हैं, ब्लेसिंग्स दे देना, गिफ्ट्स दे देना जो आपको अच्छा लगे। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो रही है और आपको गारंटेड सक्सेस मिल रहा है, यस, गुड लक, सक्सेस, गारंटेड सक्सेस, वाओ, ठीक है। और यहाँ से आपके कनेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है आपके कनेक्शन में भी, ठीक है। डीप लव, डीप लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट,
जैसे कि मैंने कहा अब तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा, गिफ्ट्स तो इतने ज़्यादा मिलेंगे कि बस पूछिए ही ना। ओके, तो मटेरियल थिंग्स आ रही हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं, और क्या आ रहा है, डिप्रेशन एन्जाइटी जो भी है वो तो सब खत्म ही है समझ लो, ठीक है। स्ट्रांग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, हेट नहीं है यहाँ पे, ये जो स्ट्रांग इमोशंस है ना, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपके सोलमेट के साथ, एक फायर, एक पैशन आप एक दूसरे को शो करोगे। चलो ये भी अच्छी बात है। और क्या मिल रहा है हमें, अ टू फेस्ड फ्रेंड आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता है फिर किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, एक नए फेज में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट रोल प्ले करना है, तो आप बहुत अच्छा चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, यंगर मैन और मैन, ठीक है, तो हो सकता है आप अपने सेम एज वाले से या अपने से छोटे एज वाले से आप कनेक्शन में हैं। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, वेकेशन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी, अगर बहुत टाइम से वेकेशन वगैरह नहीं हो रही थी, आउटिंग नहीं हो रही थी, ब्लॉकेजेस थे यहाँ पर, तो अब ये ब्लॉकेज भी खत्म होगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, अबंडेंस आ रही है गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप खुद से भी एफर्ट्स लगाना कि मुझे खुश रहना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत खुश हो जाना, ठीक है, अच्छे से सोना। ओके, सो अभी के लिए इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।